नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। 2023 पास आउट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए भाई, 10 जून को टीसीएस ने ऑन कैंपस ड्राइव अनाउंस की है टीसीएस प्रायोरिटी कॉलेजेस के लिए, जिसका एग्जाम 30 जून को होने वाला है। ऑफ कैंपस भी बहुत जल्दी अनाउंस होगी। अगर आप एक चीज नोटिस करें, 10 जून को अनाउंस करके 30 जून को एग्जाम ले रही है, यानी लगभग 20 दिन पहले अनाउंस कर रही है भाई। तो अगर आप डेट अनाउंस होने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो यार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को सिंसियरली लें और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें भाई। आपके लिए मैं टीसीएस एनक्यूटी 2023 जो एग्जाम अभी होने वाला है उसका कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। मैं आपको टीसीएस का भी अभी सिलेबस लीक हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूं भाई, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं, प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बताने वाला हूं, और टीसीएस के लिए हम लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं भाई। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो भाई, आपका थोड़ा सा समय ज्यादा लगे, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको टीसीएस रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी डिटेल आपको एक ही वीडियो में दे देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको टीसीएस एनक्यूटी की चीट शीट देने वाला हूं, जहां पर हर एक टॉपिक से आप कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर एक प्रायोरिटी वाइज सीक्वेंस देने वाला हूं कि किस सीक्वेंस में हमको टॉपिक्स को पढ़ना है। तो ये शीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे शीट को फॉलो करने के बाद। देखिए भाई, टीसीएस ने प्रॉमिस किया है कि इस बार लगभग 1 लाख फ्रेशर्स को हायर करने वाली है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा टीसीएस में। पिछले साल की डेटा की बात करो तो 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था दोस्तों। तो भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है। इस बार तो कोविड-19 की वजह से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इन सारी ब्रांचेस में जॉब्स एकदम खत्म हो चुकी हैं। तो ये ब्रांच के बच्चे भी सीएसआईटी के बच्चों को कॉम्पिटिशन देंगे, टीसीएस की तैयारी करेंगे, टीसीएस के एग्जाम में बैठेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको बाकी लोगों से आगे रहना है, प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर करना है। देखिए भाई, जॉब रोल की मैं आपसे बात करूं तो 2 पैकेज पर टीसीएस हायर करता है, 3.36 LPA एंड 7 लाख के पैकेज पर। भाई टीसीएस निंजा और डिजिटल 2 जॉब रोल होती है, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की और सिस्टम इंजीनियर की। भाई यहाँ पर अपन एग्जाम पैटर्न की जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए भाई, टीसीएस के 2 एग्जाम पैटर्न होते हैं। 1 इज कॉल्ड टीसीएस ITP एग्जाम पैटर्न, इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न, और दूसरा होता है जेनरिक पैटर्न। जो ऑन कैंपस ड्राइव होने वाली है उसमें ITP पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। ऑफ कैंपस के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं दिए भाई। देखिए, ऑन कैंपस की बात करूं मैं, ITP पैटर्न की बात करूं तो आपको 2 सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक है पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन, एक है एडवांस सेक्शन। भाई फाउंडेशन सेक्शन में क्या आएगा भाई, आपको ट्रेड्स करके होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, आपकी पर्सनालिटी के बारे में। 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आपकी पर्सनालिटी के बारे में, इसका कोई वेटेज नहीं होता, तो टेंशन नहीं लेना इसका भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 सेक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। भाई क्वेश्चन अभी स्पेसिफाई नहीं किए कि कितने आने वाले हैं, बट 25-25-25 मिनट की आपको ड्यूरेशन यहां पर टोटल देखने को मिलने वाली है। भाई अगर आपने सेक्शन ए क्लियर कर लिया, सेक्शन बी क्लियर नहीं भी कर पाई, यानी सेक्शन ए में आप देखो कोडिंग नहीं आ रही है, अगर आपने सिर्फ सेक्शन ए क्लियर किया, सेक्शन बी आप क्लियर नहीं भी कर पाए, तो भी आपका 3.36 लाख यानी कि निंजा पैकेज तो पक्का है, यानी बिना कोडिंग के भी आप निंजा की जॉब जो है पा सकते हैं। तो जितने भी नॉन CSIT बैकग्राउंड के बच्चे और जो भी जल्दी प्लेसमेंट चाहते हैं, जिनको कोडिंग से डर लगता है, वो जरूर इस एग्जाम को भरिएगा, है ना। उसके अलावा पार्ट बी की बात करूं तो ये उन बच्चों के लिए जिनको 7 लाख का पैकेज और डिजिटल का पैकेज चाहिए। यहाँ पर एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी एडवांस लेवल का एप्टीट्यूड, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी यानी एडवांस लेवल का लॉजिकल रीजनिंग, और एडवांस लेवल की कोडिंग आने वाली है। 20 मिनट, 15 मिनट, 55 मिनट मिलने वाले हैं। भाई अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अच्छा परफॉर्म किया तो आपको 7 लाख का पैकेज मिलेगा, टीसीएस डिजिटल का पैकेज मिलेगा, ठीक है। टोटल 166 मिनट का एग्जाम होने वाला है। अगर ऑफ कैंपस की अगर मैं बात करूं तो आई एम नॉट श्योर कि इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न को फॉलो करेगा कि नहीं, करा तो अच्छी बात है, नहीं करा तो जो अभी तक टेस्ट पैटर्न को फॉलो करता आया उसी को फॉलो करेगा। भाई जो नॉर्मल टेस्ट पैटर्न है टीसीएस का, उसमें 5 सेक्शंस आते हैं, 92 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट का पूरा पेपर होता है। भाई यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में 26 क्वेश्चन आते हैं, 40 मिनट का समय मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी इज नथिंग बट एप्टीट्यूड ओनली। रीजनिंग एबिलिटी में 30 क्वेश्चन, 50 मिनट यानी इट इज नथिंग बट लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल एबिलिटी इज नथिंग बट इंग्लिश, 24 क्वेश्चन, 30 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लॉजिक के 10 MCQs आते हैं, 15 मिनट का समय मिलता है, और 2 कोडिंग स्टेटमेंट्स आते हैं जिनको आपको 45 मिनट में कवर करना होता है। पर क्वेश्चन आपको कितना कितना टाइम मिल रहा है ये भी आप देख सकते हो। तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक आपको पर क्वेश्चन टाइमिंग मिल रही है। तो अच्छे लेवल पर हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है भाई। और सबसे कठिन बात क्या है भाई,
TCS adaptive test pattern को follow करता है, यानी हर एक question का separate timer होगा, उस given time में ही उस question को आपको solve करना पड़ेगा। एक बार आप अगले question पर move कर गए तो पिछले question पर आप वापस नहीं आ सकते हो। तो question मिला उसको तुरंत ही आपको given time में solve करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा difficulty जो है वो बढ़ जाती है भाई। यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ भी होता है, ओवरऑल कट ऑफ भी होता है, यानी हर सेक्शन में अच्छा होना जरूरी है भाई। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं तो 60-80%, रीजनिंग की बात करूं तो 60-80%, वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो 60-80%, प्रोग्रामिंग लॉजिक का थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है 60-70%, ओवरऑल कट ऑफ की भी बात करें तो लगभग 60-80% का ओवरऑल कट ऑफ भी आपको लाना है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक सेक्शन में कमजोर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सारे सेक्शंस के अच्छे लेवल पर हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए भाई TCS का ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करते हैं। भाई देखिए TCS की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो उन्होंने बोल रखा है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड से केवल 4 टॉपिक आएंगे, वर्बल एबिलिटी से केवल 2 टॉपिक आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से केवल 6 टॉपिक आएंगे भाई, प्रोग्रामिंग लॉजिक जो MCQ है उनसे ये केवल टॉपिक्स आएंगे 6, और हैंड्स ऑन कोडिंग के बारे में तो कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। क्या सर इसका ये मतलब है कि इससे केवल इतने ही टॉपिक हमको पढ़ के जाना है? जी नहीं भाई, देखिए हमारी टीम ने क्या किया है, पिछले 6 साल के TCS के पेपर्स को एनालाइज किया है भाई, और वहां से हमने कंक्लूजन ड्राइव किया है भाई। देखिए TCS में 60-70% पेपर प्रीवियस ईयर पैटर्न पर ही आ जाता है, प्रीवियस ईयर से उठकर ही आ जाता है। तो किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किन टॉपिक से कम क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर बेसिकली बताने वाला हूं कि भाई किन टॉपिक्स को हमको प्रायोरिटी पर रखना है। तो इसी को हम TCS का लीक्ड सिलेबस बताने वाले हैं भाई। तो TCS ने नहीं, दरअसल मान के चल सकते हैं कि नॉलेज गेट ने ये सिलेबस लीक किया है भाई। आपको चिंता की बात नहीं, मैं आपको पूरी PPT डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज अ PDF, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, पूरी स्लाइड मिल जाएगी, तो नोट कुछ भी नहीं करना, पूरा ध्यान यहाँ पर रखो भाई। देखिए भाई लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं, राइट हैंड साइड पर इनकी इंपॉर्टेंस दे रखी है भाई। ये शीट आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है, बहुत स्मार्ट वे में आप TCS की प्रिपरेशन कर पाएंगे भाई। अब यहां पर आप देखिएगा भाई, देखो जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रखी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी 5 इंपॉर्टेंस वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 इंपॉर्टेंस वाले कम इंपॉर्टेंट है, 3 वाले और कम है, 2 वाले और कम है, 1 वाले और कम है। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसी होने वाली। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाले टॉपिक्स करेंगे, फिर नीचे वाले टॉपिक्स करेंगे। तो भाई आप यहाँ देखिए एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री, परसेंटेजेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नीचे जो 1 रेटिंग वाले हैं थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लास्ट मोमेंट पे देख सकते हो या रिविजन के टाइम केवल इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी की भी मैं आपको पूरी शीट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, एक बार इसको आप रेफर कर लीजिएगा भाई। ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी में आप अगर यहाँ पर देखोगे तो फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस भी है और एक प्रपोजिशनल रीजनिंग करके भी है, तो उनका भी सब डिविजन कर दिया कि फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस में किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और प्रपोजिशनल रीजनिंग में किस सब टॉपिक से आप कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। तो मैं रिकमेंड करूंगा शीट को आप डाउनलोड करना और अपनी दीवार पे सामने चिपका लेना, ताकि आपको पता रहे कि किन टॉपिक्स को हमको ज्यादा रिवाइज करना है, ज्यादा फोकस करना है। वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो अगेन आपको पूरी लिस्ट यहां पर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं, इसी को फॉलो करना है। प्रोग्रामिंग MCQ से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज्यादा MCQs आए भाई, सी लैंग्वेज से 4-5 MCQs आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से 3-4 है ना, ये भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। प्रोग्रामिंग लॉजिक MCQ में किन टॉपिक्स की क्या वेटेज है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है भाई, तो इसको भी देख लीजिएगा। ये पेज नंबर 1 है, इसका ये पेज नंबर 2 है और इसका ये पेज नंबर 3 है। तो भाई ये इतने सारे टॉपिक्स आते हैं बट इन सबकी इंपॉर्टेंस 1 है, तो रेयर ऑफ द रेयर केस भाई, 2-3 साल में एक आध बार क्वेश्चन कभी पूछ लिया या 10 में से एक आध क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिल सकता है भाई, ठीक है। उसके अलावा कोडिंग में किन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। अब देखिए भाई TCS में जॉब पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माँ बाप एक सुंदर कन्या से आपकी शादी करा देंगे अगर आप TCS में प्लेस्ड हैं। सर प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखिए अब दो अप्रोच हो सकती हैं, या तो आप सिर्फ TCS के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आपका एटीट्यूड ऐसा है कि सर कॉलेज में जितनी कंपनीज आएंगी या ऑफ कैंपस जितनी कंपनीज आएंगी मैं तो सब में बैठूंगा, मैक्सिमम प्लेसमेंट्स लेने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम पैकेज लेने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप सिर्फ TCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो TCS सुपरसेट कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यदि आप TCS के साथ साथ अदर कंपनीज को भी टारगेट कर रहे हैं तो फिर मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों कोर्स की डिटेल मैं आपको बता देता हूं। TCS सुपरसेट कोर्स निंजा एंड डिजिटल प्रिपरेशन, दोनों प्रिपरेशन के लिए एक सिंगल कोर्स है, दोनों की आपकी प्रिपरेशन यहां पर हो जाएगी भाई। अगर मैं आपको पिछले एक महीने का स्टैट्स बताऊं तो पिछले एक महीने में 5,397 बच्चों ने इस कोर्स में एनरोल किया है, तो बढ़िया लेवल पर बच्चे जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहां पर हम लाइव क्लासेस लगाने वाले हैं 14 जून से, ट्यूसडे से
हर ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को लाइव क्लास होने वाली है। हो सकता है आप इस वीडियो को 14 जून के बाद देख रहे हो, आपके कुछ लाइव क्लासेस मिस आउट हो गई हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना बच्चा, आपको उन रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी उन लाइव क्लासेस की, तो बाद में आप उनको कवर कर सकते हो। हर एक लाइव क्लास को हम इंडिपेंडेंट बनाते हैं, मतलब 18 जून की लाइव क्लास का 14 और 16 जून से कोई लेना देना नहीं है। तो आप जब जागो तब सवेरा है भाई, जब से ज्वाइन करोगे तब से लाइव क्लासेस अटेंड करो, पिछला जितना भी बैकलॉग होगी उसको हम बाद में कवर कर लेंगे भाई, है ना। एक एक दिन का आपको गैप भी दे रहा हूं ताकि आप बैकलॉग कवर कर लो और आगे आप और प्रैक्टिस कर लो भाई। तो यहाँ पर 14, 16, 18 जून को न्यूमेरिकल एबिलिटी के कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हर क्लास की टाइमिंग रात में 8:30 बजे होने वाली है। 21, 23 जून इस तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी हम कवर करेंगे, फिर हम रीजनिंग एबिलिटी पर आएंगे। एक एक टॉपिक आपको मेंशन कर दिया हूं मैं यहाँ पर, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी हमारा चलेगा, आगे हम बढ़ते जाएंगे। उसके बाद वर्बल एबिलिटी हमारा यहाँ पर कंटिन्यू होगा, वर्बल एबिलिटी के बाद हम कोडिंग की क्लासेस लगाएंगे और डाउट सॉल्विंग एंड Q&A क्लासेस भी लगाने वाले हैं। तो हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात में 8:30 बजे आपको लाइव क्लासेस देखने को यहाँ पर मिलेगी भाई। कंप्लीट एप्टीट्यूड, कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग, कंप्लीट वर्बल एबिलिटी, प्रोग्रामिंग लॉजिक MCQs, कोडिंग, राइट, सब कुछ कंप्लीट है। TCS ITP पॉइंट ऑफ व्यू से, TCS ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर बेसिस पर हम इस कोर्स को अपडेट करते जाएंगे। जैसे जैसे TCS से न्यूज मिलती जाएगी कोर्स अपडेट होता जाएगा, जैसे जैसे TCS के पेपर्स कंडक्ट होते जाएंगे कोर्स अपडेट होता जाएगा। लाइव क्लासेस, अब एक चीज और समझिए भाई, लाइव क्लासेस सिर्फ इसलिए कि आपकी कंसिस्टेंसी बने, आपको एक लाइव माहौल मिले, आपका एक मोटिवेशन बना रहे भाई, सिर्फ इसलिए। बाकी ये पूरा प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स। तो अगर आपका ऐसा है कि सर मुझे तो 10 दिन में ही प्रिपरेशन करनी है, 10 दिन बाद एग्जाम है, यू आर मोस्ट वेलकम इन द कोर्स। पूरा प्री रिकॉर्डेड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, टॉपिक वाइज ऑलरेडी डाल चुके हैं यहाँ पर सारी वीडियोस, है ना, एब्सोल्यूट बेसिक से टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। एक एक टॉपिक का टेस्ट, एक एक सेक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी कुछ टेस्ट मिलेंगे, वर्बल एबिलिटी के कंबाइंड टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट जैसा एक्चुअल TCS में आता है वो भी आपको देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है TCS में, तो 100+ शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरा कोर्स टॉपिक वाइज एंड प्रायोरिटी वाइज अरेंज है। तो जो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था ना, उस वाइज अरेंज है। आप हमारे कोर्स में आओगे तो आपको सबसे पहले एप्टीट्यूड में इसी सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे। तो अगर कोई बच्चा टॉप टू बॉटम भी कोर्स को फॉलो कर रहा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वो पहले पढ़ लेने वाला है, ठीक है भाई। सेम फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग एज वेल, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो 60-70% पेपर प्रीवियस ईयर से उठकर आता है, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसमें कराने वाले हैं। उसके अलावा आपको पेड TCS का एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहां पर आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो और अपनी डाउट एंड क्वेरीज को रिजोल्व कर सकते हो। TCS की एक एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट मैं आपको उस ग्रुप में देता जाऊंगा। तो आपको उस ग्रुप के अलावा और किसी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी र्यूमर स्प्रेड हो रहा है मैं आपको बचाऊंगा, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है भाई, पिछले 2 साल से मैं इस कोर्स को पढ़ा रहा हूँ भाई। 85% सिलेक्शन रेशियो, अगर 100 बच्चे इस कोर्स को एनरोल करता है, कंप्लीट करता है, तो 85 बच्चे का आराम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है निंजा एंड डिजिटल प्रोफाइल के लिए भाई। आपको यहाँ पर वैलिडिटी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं 365 एंड 730 डेज के भाई। आप देखिए भाई, ये एक्चुअल प्राइस है जो कि कटी हुई है, 50% डिस्काउंट हम करेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं भाई। तो अगर आप इमीडिएटली परचेस करोगे आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स मिल जाएगा 50% डिस्काउंट, उसके अलावा आगे हम जितना भी इसमें कंटेंट ऐड करेंगे और जो लाइव क्लासेस की मैंने आपसे बात की वो सब फ्री रहेंगे, आपको एक भी रुपए नहीं पे करना पड़ेगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप की मैं बात कर रहा था वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अगर आप इमीडिएटली परचेस करते हो कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो आप गूगल पर TCS सुपरसेट कोर्स टाइप करोगे तो सबसे ऊपर नॉलेज गेट का ही आपको कोर्स दिखेगा भाई। इस पर क्लिक करके आपको सीधे बाय नाउ पर क्लिक करके कोर्स परचेस कर लेना है। अगर आपका ये है कि सर मुझे तो TCS के साथ साथ आगे जितनी भी कंपनीज आएंगी उन सबको टारगेट करना है, तो आप मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स देख सकते हैं। ये कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेली रात में 8:30 बजे हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं भाई। उसके अलावा कंप्लीट एप्टीट्यूड, एब्सोल्यूट बेसिक्स, जीरो से हीरो वाली कहानी है, 442 वीडियो सिर्फ एप्टीट्यूड में। कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग, कंप्लीट वर्बल एबिलिटी, कोडिंग में C++, जावा, पाइथन, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल संचित सर ने पढ़ाए, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एल्गोरिदम, DBMS, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इंटरव्यू और रिज्यूम प्रिपरेशन कोर्स भी आपको यहाँ मिलेगा। 1-on-1 में आपका रिज्यूम एनालाइज करूंगा, वेरीफाई करूंगा, 1-on-1 आपका मॉक इंटरव्यू लेने वाला हूँ भाई। उसके अलावा प्लेसमेंट गाइडेंस के लिए वेबिनार, ये तो जनरिक कोर्सेज हो गए।
यूनुस के अलावा 10 कंपनी स्पेसिफिक कोर्सेज मिलेंगे। जो टीसीएस का कोर्स है उसमें आपको पूरा फ्री मिलेगा, राइट, अलग से नहीं खरीदना। विप्रो का कोर्स, कैपजेमिनी, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इनफिटीक्यू, हेक्सावेयर, एलटीआई, एमकैट, आपको ये सारे कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे एक सिंगल पैकेज में। एंड यू नो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, प्राइस एब्सोल्युटली मिनिमम है भाई, मात्र आपको 4,999 रुपए में एक साल के लिए मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तो 5,999 रुपए में मिलेगा। तो अप टू 40% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये एक्चुअल प्राइसेस कटी हुई हैं, ये डिस्काउंटेड प्राइस है यहाँ पर। तो अगर आप इमीडिएटली परचेस करते हो तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा। यहाँ भी जितनी भी लाइव क्लासेस और अपकमिंग कंटेंट हम आएंगे, आगे हर एक कंपनी की लाइव क्लासेस लगाने वाले हैं, तो सारा अपकमिंग कंटेंट और लाइव क्लासेस आपको फ्री मिलेंगे। और इसका भी एक पेड टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आपको फ्री मिलेगा अगर आप इमीडिएटली इसको परचेस करते हैं, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, बाय बंडल पे क्लिक करना है और आप इसको परचेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर बच्चों के फीडबैक देखिए भाई, 5-स्टार रेटेड कोर्सेज होते हैं। नॉलेज किट की वेबसाइट पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो बॉटम में बच्चों के आपके फीडबैक्स देखेंगे भाई। देखिए टीसीएस डिजिटल में बच्चे प्लेस्ड हैं, 12-12 कंपनीज तक बच्चों ने क्रैक किए भाई, फीडबैक भरे पड़े, तो आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है, ये कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आप इन पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स यू नो क्लियर कर सकते हैं। तो मेक श्योर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें भाई, एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। सी यू इन द कोर्स। थैंक यू सो मच।